देश विदेश में शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मंगलवार से भिलाई में कथा शुरू हुई है। कथा सुनने के लिए दुर्ग और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों सहित दूसरे राज्यों से भी करीब 1,00,000 की संख्या में श्रद्धालुगण आयोजन स्थल पर पहुंचे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भिलाई में इंकातेश्वर शिव महापुराण की लोगों को कथा सुनाई और शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन है। 25 अप्रैल से शुरू हुई इस कथा 1 मई तक चलेगी और जीवन आनंद फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत किया। तो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने के लिए मौजूद है। और एक बार फिर आपको बता दें, लगातार देश के जिन भी हिस्सों में प्रदीप मिश्रा की कथा हुई है वहां पर इसी तरह की भीड़ जो है वो देखने को मिली है। तस्वीरें कुछ जो आप देख सकते हैं भिलाई से, जहां पार्किंग की व्यवस्था भी जो है वो नजर आ रही है। भारी संख्या में महिलाएं भी जो है वो कथा सुनने के लिए मौजूद है। बता दें आपको एक बार फिर की दूसरा दिन है आज उनकी कथा का। शिव महापुराण की कथा जो है पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाने के लिए भिलाई में पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, एक चीज हमने हमेशा देखी है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा जहां भी होती है वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ होती है, क्या कुछ भिलाई में नजारा है इस वक्त? जब से शिव महापुराण सुनाना शुरू किया है, शिव महापुराण की प्रसिद्धि पहले से थी लेकिन प्रसिद्धि उसकी और बढ़ी है और मंदिरों में और शिवालयों में लोग का जाना शुरू हो गया है। शिव महापुराण की महिमा क्या होती है उससे लोग जुड़ कर सकते हैं, अपने परिवार का कैसे कल्याण कर सकते हैं, कैसे कि जैसे कल एकांतेश्वर महादेव का कथा में उन्होंने विवरण प्रख्यात कथावाचक ने दिया। एकांतेश्वर महादेव मतलब एकांत में पूजा कैसे सुख समृद्धि प्रसिद्धि कैसे मिलती है सुना दिए। आज दूसरा दिन है, लगभग 3.5 से 3 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस का आंकड़ा यह कहना है। हमारे साथ महिलाएं हैं जो कि रायपुर अन्य जगह से है। कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे हो आप? पिपरिया रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा रोड। कैसा क्या सुनेंगे आज? शिव पुराण कथा सुनने आए हैं। इतना दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं, क्या प्रसिद्धि मिल रही है? अरे प्रसिद्धि बहुत मिलती है भैया, बहुत अच्छा है। ये माथे पर कौन लगा दे रहा है? अभी रास्ते बारे में लगाया है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश का ऐसा कोना नहीं है, प्रदेश तो सिर्फ ये बात कही जाएगी, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से लोग नहीं आए हैं। महाराष्ट्र यहाँ से पास लगा, महाराष्ट्र झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लोग आकर यहाँ पर ठहरे हुए, जो उनके रिश्तेदार हैं, लॉज और होटल तो पहले से बुक हो गए, रिश्तेदार और जो पंडालों में लोग यहाँ पर रहना शुरू किए हैं। हम एक किलोमीटर दूरी जो पहले है, ये आवाज के कारण दूर से आपको लोग दिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर अभी 3.5 से 2.5 घंटा कहने के लिए बचा हुआ है, लेकिन लोगों का रेला आप देखिए जहां तक नजरें जाएगी आपकी सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई कथा हुए लेकिन ऐसा कथाकार जो पंडित प्रदीप मिश्रा है कोई प्रसिद्धि नहीं ले पाया था और इतने लोग जुड़ पाए थे जो कि शिव महापुराण सुनने और उनकी कथा में विशेषकर एकांतेश्वर और आज की कथा में क्या करने वाले हैं ये अभी 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल आनंद, एक बार हम चाहते हैं कि दर्शकों को वहाँ का माहौल दिखा दे, क्या कुछ वहाँ पे साज सजावट की गई है और किस तरीके से पंडाल वहाँ पर लगाए गए हैं। प्रदीप हमारे सहयोगी हैं, दर्शकों को जरा दिखा दे कि किस तरह सजावट की गई है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सजावट की बात की जाए तो लगभग 5 किलोमीटर दूर के सजावट की गई है। ये देखिए जो पुलिस के जवान जो साथी हैं ये यहाँ से लगातार लोगों को मतलब ये समझा रहे हैं कि आप पैदल ही जा पाएंगे तब कथा स्थल तक पहुँच पाएंगे। वो जो मध्य प्रदेश से जहाँ से सीहोर से बाबा आए हैं उनके साथ में पूरी टीम के लोग भी आए हैं और जो जो कथा स्थल पर जा रहा है उनको ये लगातार उनको मतलब कहीं ना कहीं शिव की जो महिमा से पहले टीका है वो करके भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब शिव महापुराण तो सुनते हैं साथ में ये भी ये क्यों ये देखिए हमारे साथ लगातार जब से देख रहे हैं आप लोग 2 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप भी आइए, ये क्यों कर रहे हैं आप? सनातन धर्म को जागृत करने के लिए हिंदू के सब लोग जागे और अपनी कथाओं को सब लोगों को चार गांव फैलाया करते। कहाँ से आए हैं आप लोग? देखिए सीहोर से ये आए हैं, कैसे लगाते हैं आप थोड़ा लगा दिखाइए। ये सीहोर से आए हुए मतलब कथा सुनने से पहले कथा का प्रसाद आपको अंश मिल जाएगा। ये सुबह 9 बजे शुरू हो जा रहे हैं आप लोग, ये सुबह 9 बजे से और उससे पहले भी जो वॉक करने लोग आ रहे हैं, टहलने आ रहे हैं या फिर जो आसपास से लोग आ रहे हैं कि ये आप कैसे टीका लगा रहे हैं, मतलब ये पूरा टीका लगाकर और ये पूरा त्रिकुण लगा दे रहे हैं ताकि आपको शिव महापुराण पहले सुनने से पहले ही आपको ये प्रसाद के रूप में ये मिल जाए। देखिए महिलाएं आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म का नहीं,
जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, साथ में जो अन्य धर्म से, आपको बता दूं कि सीजीएन सैनी यहाँ के पार्षद है, क्रिश्चियन धर्म से आते हैं, उसके अलावा बहुत सारे यहाँ चर्च है, वो लोग तक यहाँ कथा का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। आनंद, एक चीज और आपसे आना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी का दिन है और भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर रहने वाली है, क्या कुछ सुविधाएं जो है लोगों के लिए वहां पर अब तक की गई है? प्रशासन ने और जो आयोजक मंडल है, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, साथ में उनके जो सहयोगी है विनोद सिंह, उन्होंने पहले ही कहा था कि कथा आपकी है, आपको सहयोग करना पड़ेगा। प्रशासन ने कहा था, कलेक्टर स्वयं ने आकर कहा था कि आपको अपनी स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो व्यवस्था तो पूरी है, लेकिन व्यवस्था के बीच जब भीड़ बढ़ जा रही है, यानी किसी भी खाने का आंकड़ा बनाया गया है 1 लाख का, अगर लोग 3 लाख हो जाएंगे तो लोग अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो नहाने की और जो अन्य चीजें हैं, कहीं ना कहीं सुविधाएं और दुविधाएं बदली है, लेकिन उसके बाद भी कथा शिव महापुराण सुनने के कारण लोग आस पास ही स्वयं अपना सब व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़े पेड़ों पर सुखा दे रहे हैं। आप देखिए, ये जो जंगल है ना, आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको कई जगह साइकिलें खड़ी नजर आ रही है, पेड़ और जो अपने सामान, मतलब सामान से कोई चिंता नहीं है, उनको शिव कथा का आनंद लेना है, अपने सामानों को लोग जंगलों में छोड़ के यहाँ पर चल जा रहे हैं और जाके शिव कथा का आनंद ले रहे हैं। आज लगभग 3 लाख 2.5 से 3 लाख लोग आएंगे और कल ये आंकड़ा ये बता रहा है कि और बढ़ते जा रहा है लगातार, क्योंकि जो लोग दूर थे, ट्रेन कैंसिल हो जा रही थी, बस से नहीं आ पा रहे थे, वो अपनी कारों से और अन्य माध्यमों से आना शुरू कर दिए, तो कल और लगभग लोग लगभग 5 लाख के आसपास यहाँ पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, जितनी संख्या में बता रहे हैं आप कि जितने लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जितनी भीड़ रहेगी, उस हिसाब से जाहिर सी बात है प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है वो कर ली होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।